वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10। इसमें कहा चैप्टर्स है, इसका पहले हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं। 7 पार्ट्स ऑफ द प्रोज वी हैव ऑलरेडी रीड इट एंड इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि लड़ाई के बाद क्या होता है, किस तरह से एक फौजी जो एक बहरूपिया जो है लेफ्टन साहब का रूप बदल कर आता है और लहना सिंह उसको कैसे पहचान लेता है, फिर सिखों के बीच और जर्मनों के बीच कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, पूरे के पूरे सिख जर्मन सिपाही जो है सारे मारे जाते हैं, फिर 15 सिख सिपाही भी मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और कैसे लहना सिंह को चोट भी लगती है। पहली गोली उसको जांग पे लगती है और दूसरी गोली जो उसे लगती है वो काफ़ी गहरी घाव होता है, फिर भी वो किसी को पता चलने नहीं देता है कि उसको दूसरी गोली कितनी गहरी लगी है। उसके बाद क्या होता है ये इस कहानी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, जब लड़ाई हो रही थी उस समय आसमान में भी चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ साक्ष्य नाम सार्थक होता था, और ऐसा चांद जिसके प्रकाश से जिसकी रोशनी से संस्कृत के जो कवि थे कवि लोग जो थे उनका दिया हुआ नाम दक्षयायी नाम भी साबित हो रहा था, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणा विनोपदेशचार्य, और ऐसी तेज हवा चल रही थी जिसको बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशचार्य बोला जाता है कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। यहाँ पे वजीरा सिंह कहता है कि कैसे उसके पैर में फ्रांस की भूमि जो है किस तरह से मिट्टी जो है उसके पैरों में चिपक रही थी जब वो दौड़ कर सूबेदार के पास जा रहा था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराहा रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुने, सारी बातें सुनी, जो कुछ भी हुआ था वहां पर वो सारी बातें सुनकर और सारे कागजात जो उनको मिले थे, जो जर्मन का फौजी था जो लेफ्टन साहब की भेष बदल कर आया था उससे जो भी कागजात उसके पतलून से उसके पैंट से ट्राउजर से मिले थे वो सारे कागजात को देखकर सूबेदार जो है उसके लहना सिंह की बुद्धि की तारीफ कर रहा था और कह रहे थे कि अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज हम सब जो है जितने सिख सिपाही थे सारे के सारे मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी, और इस लड़ाई की आवाज जो है 3 मील दूर तक जो है दाहिनी तरफ मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जो खाई वाले थे वो उन्होंने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था, वहां से झटपट डॉक्टर और बीमार डब्बे की दो गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गए, और जिन लोगों ने ये सब लड़ाई की आवाज सुन ली थी तो उन लोगों ने टेलीफोन कर दिया था, वहां से झटपट डॉक्टर और बीमार को ले जाने वाले एम्बुलेंस वगैरह जो है वहां पे तकरीबन 2.5 घंटे के बाद आ पहुंची थी। फील्ड अस्पताल नजदीक था, और जहाँ पे लड़ाई होता है वहाँ पे एक फील्ड अस्पताल भी बनाया जाता है, कैंप लगाया जाता है ताकि बीमार जो सैनिक लोग लड़ रहे हैं अगर कोई बीमार हो जाए किसी को कुछ हो जाए तो वो अस्पताल ले जाते रहते तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो वहीं पे ही कुछ डॉक्टर्स लोग का अरेंजमेंट किया जाता है वहीं जहाँ पे बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर, तो उसको बोलते फील्ड अस्पताल। वो अस्पताल भी वहाँ पे नजदीक था, सुबह होते होते पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई, और सुबह होते होते वहां पे सब कोई पहुंच जाएगा इसलिए एक पट्टी सबको लगा दी गई, जो भी घायल हुए थे सबको एक एक पट्टी लगा दी और गाड़ी में बैठाया गया, और एक गाड़ी में जो थे जितने जो लोग मर गए थे उनकी लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना की जांग में
पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। सूबेदार ने भी लहना सिंह के जांग में जो गोली लगी थी उसमें भी वो पट्टी बंधवानी चाहिए, उन्होंने चाहा कि उसके जांग में ही पट्टी बांध दी जाए, लेकिन वो ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सुबह देख लिया जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में बढ़ रहा था, बोधा सिंह का जो ज्वार था, बोधा सिंह का जो बुखार था वो भी काफ़ी बढ़ रहा था। वो गाड़ी में लिटाया गया, लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे और लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार वहां से जाना नहीं चाहते थे। लहना ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ। तो जब लहना सिंह जब सूबेदार वहां से जाना नहीं चाहते थे तब लहना सिंह कहता है कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की कसम है, तुम इस गाड़ी में चले जाओ। और तुम, तो सूबेदार से पूछता है, तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। तो कहता है कि मेरे लिए वहां जब तुम लोग पहुंच जाओ तो वहां से एक गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दे लोग जो हैं उन लोग के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल एकदम ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, देख रहे हैं मैं खड़ा हूं और मेरे पास वजीरा सिंह भी तो है। अच्छा पर वो सूबेदार, यहाँ ये डायलॉग जो है सूबेदार का है, बोले अच्छा पर वहाँ पर वो रुक जाता है, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा और को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। वो कहता है भला अब भी चढ़, भोला बोधा सिंह जो है गाड़ी पर लेटा दिया गया और वो भी सूबेदार भी गाड़ी पर चढ़ जाता है। तो कहता है जब सूबेदार गाड़ी पर चढ़ जाता है तो लहना सिंह कहता है सुनिए अगर सूबेदारनी होरा को अगर चिट्ठी लिखिएगा तो मेरा भी उनको सलाम, मत्था टेकना मतलब सलाम भेज देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। और फिर कहता जब आप घर जाओ तो उनसे कह देना कि जो उन्होंने मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये लाइन को आप लोग अंडरलाइन करके रहो। और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। ओके, गाड़ियां चल पड़ी थी, सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़ कर कहा तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा। तो गाड़ियां चल पड़ी थी तो सूबेदार लहना का हाथ पकड़ा हुआ था और जाते जाते कह रहा था तूने मेरे और बोधा का जान बचाया है, इस बात का लिखना कैसा, साथ ही हम लोग घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। वो कहता है कि तुम अपनी जो कुछ भी तुमको कहना है तुम अपने सूबेदारनी से खुद ही कह देना, उसने तुमसे क्या कहा था तुम जानो, और जब हम लोग साथ ही में जब घर जाएंगे, एक साथ जब घर जाएंगे तो तुम खुद ही मिलकर उनसे सारी बातें कह देना। जब आप गाड़ी पे चढ़ जाओ मैंने जो कहा था वो लिख देना और कह भी देना। वो कहता है कि अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ और मैंने जो कहा है, मैंने जो आपसे कहा है वो आप लिख के उनको भेजा दीजिएगा। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल देते, तर हो रहा है। तो गाड़ी जैसे ही चली जाती है लहना सिंह लेट जाता है और कहता है वजीरा सिंह को कहता है कि पानी पिला दे और कमर में जो उसने साफा बांधा था, जो कपड़ा बांधा था, वो कहता है कि उसे खोल देने के लिए, क्योंकि वो खून से पूरा भर चुका था। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। ऐसा कहा जाता है जब इंसान का मरने का टाइम आता है, जब इंसान का मृत्यु का समय आता है तब क्या होता है, सारी यादें जो है इंसान की ताज़ा हो जाती है, जो कुछ भी वो अपनी जिंदगी में कर चुका होता है, जो कुछ भी उसके साथ घटना घट चुकी होती है, हर एक चीज रिफ्रेश हो जाता है और सारे दृश्य जो है उसके आंखों के सामने आने लगते हैं और समय का जो धूल उस पे चढ़ा रहता है वो भी हट जाता है, पूरा क्लियर इंसान को हर एक चीज नजर आने लगता है।
लहना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, यहाँ कर रही कर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। अब देखो ये जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इस ये पार्ट से पहला पार्ट जो हम लोग पढ़े थे इसमें एक लड़का सिख लड़का एक सिख लड़की की जो मुलाकात होती है अमृतसर के किसी दही वाले के दुकान में, वो लड़का कौन था? वो लड़का कोई और नहीं, लहना सिंह था, ठीक है, जिससे एक 8 वर्ष की लड़की से मुलाकात होती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वो भाग जाती है। और जो लड़की से वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। तो और वैसे ही वो जब एक दिन उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो एक दिन उसको जवाब में क्या मिलता है, हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम वाला रेशम के फूलों वाला सालू जो पहनी हुई है, जिससे पता चलता है कि उस ये लड़की की सगाई हो गई है। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। और जो वर्ड्स जो बोलती है जब वो 8 वर्ष की लड़की जो थी, वो जब कहती है कि हाँ देखते नहीं कि कल ही हो गया है, तो ये बात सुनते ही लहना सिंह को दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन क्यों आता है उस वक्त वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल का एक लड़का है, बच्चा है, क्योंकि उसको वो सारी फीलिंग समझ में नहीं आती है। तो उसी में वो कहता है वजीरा पानी पिला दे, वजीरा से कहता है कि उसे पानी पिला दे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके।